नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज 2 और फेज 3 में क्या अपडेट है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं विशालाक्षी मंदिर, ये मंदिर कलिकली का बहुत ही जल्द यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये काशी का विशालाक्षी मंदिर, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं विश्वनाथ। काशी का विशालाक्षी मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर, और ये आप देख रहे हैं इस गली का बहुत ही जल्द काशी विश्वनाथ मंदिर फेज 3 के अंतर्गत इस गली का विस्तार किया जाएगा, चौड़ीकरण किया जाएगा, जिसका कि निर्माण बहुत जल्दी शुरू होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं कॉरिडोर के अंदर और वहाँ का आपको अपडेट देते हैं। यहाँ फेज 3 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आपका जल्द शुरू होने वाला है। चलिए कॉरिडोर के अंदर का आपको अपडेट देते हैं। यहाँ जो रेस्टोरेंट खुल रहा है उसका मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार यहाँ दुकानें यहाँ देख रहे हैं, ये मिठाई की दुकान और सामने बाटी चोखा, लगभग तैयार है और शिवरात्रि के दिन इस का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद श्रद्धालुओं को यहाँ पर भोजन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा परिसर में, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं काफ़ी तेज़ी से इन दुकानों का निर्माण किया गया। और ये कॉरिडोर फेज 2 के अंतर्गत, ये आप देख रहे हैं नीचे अमृत भवन का दृश्य, यहाँ जो दुकानें खुलेंगी, जो होटल और रेस्टोरेंट ये खुल रहा है, इसका नाम रखा गया है सुख सागर। यहाँ पर साउथ इंडियन और चाइनीज़ तो नहीं कहा जाएगा, साउथ इंडियन में डोसा और महाराष्ट्रियन में आपका बड़ा पाव, और उत्तर भारतीय व्यंजन ये सभी इस परिसर में आपको मिलेगा सुख सागर। और ये आप देख रहे हैं इसका बाहर का दृश्य अमृत भवन के, जहाँ पर रेस्तरा खुलने वाला है बहुत जल्द। चलिए दोस्तों ऊपर की तरफ दिखाते हैं आपको, ऊपर मंजिल में जहाँ पर थाली सिस्टम श्रद्धालुओं को दिया जाएगा, यानी कि मिलेगा वहाँ पर। काफ़ी अच्छे से सजावट की गई है और ये कंपनी जो रेस्टोरेंट खोल रही है, यहाँ साईं बाबा मंदिर में भी इनका रेस्तरा है। यहाँ देख रहे हैं ये काउंटर यहाँ पर होगा, ये काउंटर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये काउंटर और ये मंदिर का नीचे की तरफ रेस्तरां का पूरा लुक इस टाइप का दिखेगा। ये ऊपर की तरफ मैं दिखाऊं जहाँ पर थाली सिस्टम यहाँ पर मिलेगा, इसकी तैयारी चल रही है
अमृत भवन में, ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं अमृत भवन का। चलिए हॉल के अंदर दिखाते हैं अंदर में कैसी व्यवस्था है। काशी में पूरे विकास कार्यों के अंतर्गत मैं आपको दिखा रहा हूँ श्रद्धालुओं के लिए ये सभी व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल अभी यह सब बन रहा है। चलिए दोस्तों अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन में है लेकिन बहुत ही जल्द शिवरात्रि तक इस जगह का ओपनिंग हो जाएगा और श्रद्धालुओं को नए नए भोजन आपको यहाँ पर मिलेगा अमृत भवन पे। चलिए अन्य अपडेट देते हैं फेज टू के अंतर्गत। इधर लिफ्ट की सुविधा और नीचे जाने का रास्ता, ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं अमृत भवन के नीचे से जहां गेट नंबर 1। काशी में श्रद्धालुओं की जब से भारी भीड़ उमड़ी है कॉरिडोर बनने के बाद तो इसके विस्तार की भी योजना बनी है जिसमें विशालाक्षी मंदिर और ढूंढीराज गणेश जी का मंदिर जहाँ पर है उस जगह का विस्तार करना है फेज 3 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं रैंप से और वहाँ भी आपको अपडेट देते हैं परिसर में और क्या अपडेट है। यहाँ देख रहे हैं कार्तिकेय वाटिका परिसर में, यहाँ भी रेस्टोरेंट खुलेगा। फिलहाल आप ये देख रहे हैं यहाँ पर टेंट की व्यवस्था। यहाँ पर चाय नाश्ता और कॉफ़ी की व्यवस्था होगी। ये आप देख रहे हैं जगह कार्तिकेय वाटिका, सामने कार्तिकेय जी की प्रतिमा। यहाँ देखेंगे यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा कॉफ़ी चाय नाश्ता के लिए। बहुत जल्द ये भी एक रेस्टोरेंट खुलेगा, यानी कि 3 रेस्तरा यहाँ पर हो जाएंगे। और ये देख रहे हैं मानसरोवर कार्तिकेय वाटिका के पास इसी भवन में ये रेस्तरा भी खुलेगा। और इस तरफ आप देख रहे हैं ललिता घाट के ऊपर स्थित छत जहाँ पर फिलहाल अभी दर्शनार्थियों का आना जाना अभी बंद है। और इस तरफ लॉकर की सुविधा गेट नंबर 1 गंगा द्वार यहाँ से। चलिए दोस्तों चलते हैं परिसर के अन्य भागों में और वहाँ आपको और अपडेट दें। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये प्रोग्राम 9 दिन का मेगा प्रोग्राम यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पोस्टर लगा है कॉरिडोर के अंदर और गंगा द्वार के ठीक अंदर की तरफ परिसर में, जिसकी व्यवस्था कुछ कुछ जगहों पर मैंने दिखाई आपको। चलिए दोस्तों और परिसर के भाग में चलें। 3 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक यहाँ प्रोग्राम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर के अंदर। चलिए आपको ले चलते हैं शंकराचार्य चौक जहाँ पर गंगा द्वार काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाने का रास्ता गंगा द्वार। ये आप देख रहे हैं कॉरिडोर का गंगा द्वार के ठीक सामने
शंकराचार्य चौक, और इस तरफ गंगा द्वार। आप देख रहे हैं गंगा द्वार। चलिए पास करके आपको दिखाते हैं, काफी खूबसूरत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर, और ये आप देख रहे हैं गंगा द्वार। सभी दृश्य आप देख रहे हैं गंगा द्वार के ठीक सामने से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। काफी खूबसूरत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पूजा प्रसाद की व्यवस्था इस तरफ मंदिर में, और इस तरफ दूध चढ़ाने के लिए अमूल की तरफ से। चलिए दोस्तों, जहाँ का मैंने आपको अपडेट दिखाया शंकराचार्य चौक, इसी खूबसूरत दृश्य के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।